Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum to all of the students. Let's start the lecture with the name of Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ara'ayta alladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتے. Okay, we have to start the exercise 14A. ठीक, प्रैक्टिस ऑन 1, 2, 3 हमने किए, बिल्कुल उसी से रिलेटेड जो है ये आपके पास है. ओके, द क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस. बी इज द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11. यानी बी जो है वो आपके पास एक ऐसा सेट है ऑड पॉजिटिव. पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन ऑड हैं, जैसे एक आपके पास इवन नंबर्स होते हैं, एक ऑड नंबर्स होते हैं, और लेस देन 11. ठीक है, 11 से छोटे नंबर्स होंगे. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी इन सेट नोटेशन. पहले तो लिस्ट ऑल द एलिमेंट यानी आपने सेट बी को लिखना है, उसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स हैं आपने जो है इनके फॉर्म में आपके पास यहाँ पे आपने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है उस सेट के लिहाज से ट्रू है या फॉल्स है. राइट, है दिस वन एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन 1. ठीक है, एंड द सोल्यूशन इज दिस. बी सेट में आपने लिखना था ऑड नंबर्स, ठीक है, लेस देन 11, तो 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके पास आ गया. ठीक है, अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या था? ये तो फर्स्ट पार्ट है. अब बी पार्ट का जो था, दैट वन बिलोंग्स टू सेट बी, यानी वन इज द एलिमेंट ऑफ बी. तो क्या वन जो है वो सेट बी में आ रहा है? यस, तो इट इज ट्रू. ठीक है, सेकेंड पार्ट, 4 is the element of B. 4 is not the element of B. 4 जो है वो B का element नहीं है. तो आपको 4 जो है वो B में नजर आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने भी यही कहा है कि 4 जो है वो B set में नहीं है. Yes, it is also true. ठीक है, next उन्होंने ये कहा that 0 is the element of B और 0 belongs to B. So 0 क्या उस set में आ रहा है? नहीं आ रहा, that means it is false. And the last one is the same, that 11 does not belongs to, 11 is not the element of B. 11 jo hai wo is B ka element nahi hai. So yes, it is true. 11 jo hai wo waqai hi uska element nahi hai. Theek hai? So this is question number 1. Now the question number 2. Set the number of elements in each of the following. State the number of elements in each of the following sets. यानी अब आपने क्या बताना है? आपने इन ये जो आपको different आपके पास descriptive form में दिए हैं. Descriptive form का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे sets जो कि statement की form में लिखे हों. ठीक है? Descriptive form is the form which in which the statements are given. ठीक है? Statements given है. अब आपने बताना है, जैसे first part है, A part है, months in a year, कि आपके पास जो month in a year है, इस अगर हम ये set बनाते हैं तो ये कितने elements आएंगे इसके अंदर? तो how many months in a year? There are 12. हम लिखेंगे मतलब January, February, March, April, May, June, July to December. So there are 12 elements. 12 elements आएंगे. ठीक है? Next अगर हम B set लेते हैं, odd numbers between 10 and 26. 10 और 26 के दरमियान में जो odd numbers हैं,
ठीक है, अगर हम वो लिखें, अगर लेट सपोज हम उसका सेट बनाते हैं 10 और 26 के दरमियान में ऑड नंबर्स, ठीक है, लेट सपोज हमने एक सेट ले लिया, ठीक है, 10 से आगे ऑड नंबर क्या होगा, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 and 25. नेक्स्ट नंबर तो ऑड नंबर 27 आएगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि 26 और 10 के दरमियान में. सो ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ऑड नंबर्स हैं बिटवीन 10 और 26. सो काउंट देम, हाउ मेनी आर दीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. सो देयर आर 8 एलिमेंट्स इन दी सेट बी, यानी जो सेकंड आपका पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स है, ठीक है, यानी सिंपल आपने लिख देना है, फर्स्ट ए का आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, 12 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट आपके पास, और सेकंड का आप लिख देंगे 8. पीपल्स इन योर क्लास हु आर टॉलर देन यू. अच्छा, अब इसमें क्या है, अब देखिए स्टिल आप अभी जैसे अब आप क्वारंटाइन में हैं, आप घर में बैठे हुए, अब आपको नहीं पता कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स आपके पास जो है ना वो टॉलर देन यू हैं, आपको नहीं पता कि कौन आपसे लंबा है, कौन छोटा है, ठीक है. अब इसकी इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस केस में आप कोई एलिमेंट ना लिखें, ठीक है, या आप लिख लें आपके पास अननोन, ठीक है, आप इसमें फिलहाल कुछ ना लिखें क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि आपके आपको जो है कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपसे टॉलर हैं, ठीक है, तो आप इस केस में आप जो है ना इसको लीव कर दें. हाँ, व्हेन यू विल गो टू द स्कूल इंशाल्लाह, तो आप स्कूल में जाके जब आपकी असेंबली ड्यूरिंग द असेंबली आपकी क्लास हो रही होती है, आप लोग लाइन बना रहे होते हैं, हाइट वाइज आप लोग खड़े होते हैं, तब आप देख लें कि आपके पीछे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि दैट आर टॉलर देन यू, आप वो नंबर काउंट करके वो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा कलर्स इन योर स्कूल फ्लैग, ठीक है. अब हमारा जो अकॉर्डिंग टू APS हमारा जो स्कूल फ्लैग है उसके अंदर 2 कलर्स हैं, व्हाइट एंड ग्रीन, ठीक है, ऐसे ही है, व्हाइट आपके पास उसका बैकग्राउंड और ऊपर आपके पास उसकी जो पिक्चर बनी हुई है वो आपके पास किस कलर की है, ग्रीन. तो आप इसको कर सकते हैं कि आपके पास 2 कलर्स आ रहे हैं इन फ्लैग, ठीक है, 2 आ जाएगा. कलर्स ऑफ अ रेनबो 7 आ जाएगा, हॉरोस्कोप साइंस 12 आ जाएगा. तो दीज आर दी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सेट. अब बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स टू राइट द सेट. सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, नंबर 1 इज द टेबुलर फॉर्म, नंबर 2 इज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, एंड नंबर 3 इज द सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है. अब आपके पास क्या है, अब जैसे ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में नजर आ रहा है, अब ये स्टेटमेंट्स की फॉर्म है, यानी मंथ है ना, ईयर, ऑड नंबर्स हैं, पीपल्स इन योर क्लास है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. सॉरी, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपने डिस्क्राइब कर दिया उसे, ठीक है. अगर आपके पास नंबर की फॉर्म है, जैसे लेट सपोज ये आपके पास सेट आ रहे हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सेट्स आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 7 -10, -9, -8, ये अब नंबर्स हैं. अगर आपको नंबर्स की फॉर्म में कोई सेट गिवन है तो दैट इज द टेबुलर फॉर्म, वो उसकी क्या होती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है, ठीक है. लेकिन अगर आपके पास जो नंबर सेट है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, लेट सपोज ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में नजर आ रहा है, x फिर आगे 2 dots x सच दैट x इज एन इवन, यानी ये आगे तो डिस्क्राइब किया हुआ है लेकिन शुरू में इस तरह से होता है x सच दैट x, y सच दैट y, तो ये कहलाती है सेट बिल्डर नोटेशन. क्या कहलाती है, सेट बिल्डर नोटेशन. टेबुलर फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इज इन द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड सेट बिल्डर नोटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x सच दैट x, इस फॉर्म में जो होगा, ठीक है. सो दीज आर द 3 मेथड्स टू राइट डाउन द सेट. अब आपके पास ये उन्होंने कहा कि देखें आपके पास ये सेट्स गिवन है, सेट आपने इनको सेट की फॉर्म में लिखना है, यानी बेसिकली आपने इनको बिल्डर टेबुलर फॉर्म में लिखना है, या फिर उसको हम सेट नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, सिंपल सेट नोटेशन भी बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. ए सेट x such that x is a positive integer between 1 and 10. 1 और 10 के दरमियान में positive integers हमने लिखने हैं. So what are those positive integers between 1 and 10? 1 और 10 के दरमियान में positive integers कौन से होंगे? That's right. Set हमें कहा गया है set A. तो पहले हम A लिखेंगे, A
is equal to curly bracket between 1 and 10. तो 1 और 10 के दरमियान में क्या होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So ये आपके पास first part हो ठीक है. These are the elements that lies between 1 and 10. ठीक है, 1 और 10 के दरमियान में ये आपके पास लाए करते हैं. Got it बेटा? Okay, now let's move towards the next part. X such that x is a negative integers. Negative integers between minus 10 and minus 1 inclusive. ठीक है, माइनस टेन एंड माइनस वन इंक्लूसिव. अब सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स. कि इंटीजर्स होते क्या है, जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें हम इंटीजर्स बोलते हैं. ठीक है, यानी वन है, वन इज एन इंटीजर, माइनस वन भी इंटीजर है, प्लस टू भी इंटीजर है, माइनस टू भी इंटीजर है. यानी आपके पास जो नंबर लाइन होती है ना, अगर आपने नंबर लाइन ड्रॉ की हो तो नंबर लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, चले आपको ये भी बताती हूँ कि नंबर लाइन हम किस तरह से ड्रॉ करते थे. कि नंबर लाइन में क्या होता था कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इसके दरमियान में कौन सा नंबर होता है, जीरो होता है. ठीक है, और इसके जब हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं यहाँ पे राइट साइड पे तो होता है 1, 2, 3, 4. ठीक है, और अगर हम इसकी मूव करें लेफ्ट हैंड साइड पे इस साइड पे तो ये होता है माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री एंड माइनस फोर. ये नंबर लाइन कहलाती है. तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं, प्लस वन, माइनस वन, प्लस टू, माइनस टू, प्लस थ्री, माइनस थ्री, दीज आर इंटीजर्स, दीज आर इंटीजर्स. ठीक है, बट जीरो इज नॉट एन इंटीजर. ठीक है, जीरो आपके पास इंटीजर्स में नहीं आता. तो यहाँ पे आपके पास उन्होंने कहा है कि आपने क्या करना है, व्हाट वाज द क्वेश्चन, लुक एट द क्वेश्चन अगेन. एक्स सच दैट x is a positive negative integer. x आपके पास क्या है, negative integer है between minus 10 and minus 1 inclusive. यानी minus 1 minus 10 1 के दरमियान में. inclusive का मतलब ये होता है, जैसा inclusive का वर्ड निकला है include से. ठीक है, यानी हम minus 10 और minus 1 को भी include करेंगे, उसके दरमियान में add करेंगे. अब इसका set हम कैसे लिखेंगे, लेट सी हाउ डू वी राइट द सेट. अच्छा, आपके पास सेट सी है, आई थिंक सो, या बी है, बी है, इज इक्वल टू. अब देखो उन्होंने कहा कि माइनस टेन और माइनस वन के दरमियान में, तो माइनस टेन से मतलब आपके पास होगा माइनस टेन, फिर माइनस नाइन, माइनस एट, माइनस सेवन, माइनस सिक्स, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू एंड माइनस वन. सो दीज आर दी आपके पास जो है ना. हाँ, अगर उन्होंने लिखा हुआ तो होता बिटवीन माइनस टेन एंड माइनस वन, तो हम माइनस टेन और माइनस वन को हम ना लिखते. ठीक है, तब हम क्या करते, हम इन दोनों को निग्लेक्ट कर देते, इनको ना लिखते. बट उन्होंने अभी ये कहा है कि आपके पास इंक्लूसिव, तो हम ये सेट लिखेंगे. ठीक है, अंडरस्टैंड बेटा. पार्ट नंबर सी में क्या है, सी एक सेट है x such that x is a positive even integer. यानी इंटीजर तो हमें समझ आ गया, और इवन इंटीजर्स हैं, यानी 2, 4, 6, 8. अब वो किसके दरमियान में है, माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, x is greater than minus 2 एंड x is less than and equal to 12. यानी आपके पास माइनस टू से बड़ा होगा और माइनस 12 से छोटा या उसके इक्वल होगा. तो अब ये आपके पास क्या आ जाएंगे, 12, 14, 16, 18, 20 and 22, ये आपके पास आ जाएंगे. ठीक है, पार्ट नंबर सी, सॉरी हम ये पार्ट नंबर क्वेश्चन थ्री करें, इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, ये आपके, अब ये कैसे आए, अब ये हमने टू से क्यों स्टार्ट किया है, हम इस पे, इसके लिए अब ऐसा करते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको सही समझ आ सके कि किस तरह से आपके पास ये टू से क्यों स्टार्ट हो रहा है. देखिए, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है माइनस वन और यहाँ पे होता है माइनस टू. ठीक है,
अब आप माइनस टू, उसने कहा था माइनस टू से आगे, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यहाँ से कंटिन्यूस करेगा, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा था कि आपके पास x का एलिमेंट ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस टू। तो देखिए माइनस टू से बड़ा नंबर माइनस वन होता है, नेगेटिव नंबर में हमेशा माइनस वन माइनस टू से बड़ा होता है, माइनस टू जो होगा वो ग्रेटर देन, तो देखिए माइनस वन। अब माइनस वन जो है क्या ये इवन नंबर है? उन्होंने बात भी तो इवन नंबर की थी ना कि माइनस टू से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस टू से बड़ा हम राइट साइड पे जा रहे हैं माइनस वन, तो माइनस वन तो इवन नंबर नहीं है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर आ रहा है जीरो, तो क्या जीरो इवन नंबर है? हम ये भी ये नहीं लिखेंगे। फिर उसने कहा वन, तो क्या वन इवन नंबर है? ये भी नहीं लिखेंगे। तो जब हमने टू पे मूव किया, यस टू इज द इवन नंबर, हम टू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टू। और उसके बाद जो आपके पास सेट आएगा, मतलब टू आ जाएगा, टू के बाद इवन नंबर आएगा 4, देन 6, देन 8, देन 10, और उन्होंने कहा है कि ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू 12, यानी 12 से छोटा और 12 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो 12 आपके पास जो है ये आपके पास आ जाएगा। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 आपके पास, हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपके पास क्या है? डी इज अ सेट ऑफ वोवल्स इन द वर्ड हैप्पी। ये जो वर्ड हैप्पी है इसके अंदर आपने वोवल्स देखने हैं। वोवल्स क्या कौन कौन से इसके अंदर यूज हो रहे हैं? एच ए डबल पी वाई हैप्पी। अब इसने इसके अंदर नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं? एच इज नॉट अ वोवल, ए इज अ वोवल, पी इज नॉट अ वोवल, वाई इज नॉट अ वोवल। तो आपके पास इसमें जो सेट आपके पास आएगा, यानी आपके पास अगर आप इसका सेट लिखेंगे, तो डी सेट जो होगा वो आपके पास नंबर ऑफ वोवल्स इन द वो आपके पास वन आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने नंबर्स की बात की है कि उन्होंने लेटर की बात की है? लेट्स चेक इट अगेन। डी इज द सेट ऑफ वोवल्स इन द वर्ड हैप्पी, ठीक है। कौन कौन से वोवल्स हैं? ठीक है, भैया हमारे पास वन नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसकी जगह लिख देंगे ए, ठीक है। हम क्या लिख देंगे? ए। क्यों? उसने कहा कि कौन सा वोवल इसके अंदर यूज हो रहा था, हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे डी इज इक्वल टू ए, के ए जो है वो वोवल है जो इसके अंदर यूज हो रहा है। हाँ, अगर वो कहते हैं राइट डाउन द नंबर ऑफ वोवल्स, तो नंबर ऑफ वोवल्स आपके पास कितना होता है? वन होता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस वीकेंड, have a nice weekend, Allah Hafiz to all of you, happy independence day and Pakistan Zindabad.